हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7C क्लास 9th RS अकवल्ट में। इससे पहले हम 1, 2, 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। ये पूछा है एक्स के किस वैल्यू के लिए ये लाइन एल और ये लाइन एम पैरेलल होगी। तो देखो, ये एंगल दे रखा है और ये एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स और पैरेलल एंड के ऊपर है, यानी कि कैसे एंगल कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल, है ना। तो एल विल बी एल पैरेलल एम कब, इफ, चलो लिख देता हूं मैं कि एल विल बी पैरेलल टू एम कब होंगी, यदि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, क्योंकि पैरेलल लाइन में क्या होता है कि करस्पोंडेंस एंगल इक्वल होते हैं और ये करस्पोंडेंस एंगल है। अगर ये इक्वल हो गए तो ये एल और एम पैरेलल होंगी। तो इसके लिए क्या करें, हम इन दोनों को इक्वल रख दें बस। 3x-20 इज इक्वल 2x+10। 2x को ट्रांसफर कर दिए राइट से लेफ्ट साइड ले तो माइनस के हो गए, और -20 लेफ्ट से हम रह गए, लेफ्ट से लेकर राइट हैंड साइड में तो प्लस के हो गए, तो +20। 3x-2x x हो गया और 20+10 कितना हो, 30। तो वैल्यू ऑफ x इज 30। तो x, इफ x इक्वल टू 30 देन बोथ लाइन विल बी पैरेलल। तो x के किस वैल्यू पर ही पैरेलल होंगी, 30 पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइंस l एंड m बी पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो ये कैसे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, अगर इन दोनों एंगल का सम, जिसे हम को इंटीरियर बोल देते हैं ना, इन दोनों एंगल का सम 180 हो तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो लाइन पैरेलल के लिए क्या होगी कंडीशन, 3x+5+4x इक्वल टू किसके रखेंगे, 180। तो लिख देते हैं लाइन एल एंड, क्या कर रहा हूं आज, एंड एम विल बी पैरेलल इफ 3x+5 वाला एंगल प्लस ये 4x डिग्री की वैल्यू किसके हो जाए, 180। लिखना चाहो लिख सकते हो, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सम, चलो मैं लिख देता हूं सम, ये अगर 180 हो जाएगा, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है तो बोथ लाइन कैसे होती हैं, पैरेलल। सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सी हो गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो वैल्यू सॉल्व कर लो इसे, 3x+5 डिग्री हम हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे, x की वैल्यू में डिग्री की जरूरत नहीं है, खाली 180 हो गया है ना। तो कितना हो गया ये, 3x+4x 7x, और 5 को हमने ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट से राइट तो -5 हो गया, तो 7x इज इक्वल 175। तो वैल्यू ऑफ x 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, 175/7, 7 वन जा 7, 2 जा 14, 3 कैरी ओवर, 3 5 35, 7 5 जा, तो आंसर इज द वैल्यू ऑफ x विल बी 25। अगर x 25 होगा तब l और m कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन 6, इफ इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, एंड बी सी, ये लाइन सेगमेंट बी सी एंड ई डी आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या करें, पहले ये देखें हम बी सी और, चलो लिख देते हैं, देखिए बी सी एंड ई डी आर पैरेलल, उसको ऐसे जरूरत नहीं थी, उसको ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख देते हैं ना, तो ध्यान लिख दिया, ऐसे लिख दो बी सी पैरल टू ई डी, ऐसे लिख देना शॉर्ट में। तो क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी का सम क्या होगा, 180, को कौन से कॉन्सिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस डी, डी दे रखा मैं 75 डिग्री, इज इक्वल 180 डिग्री, सो वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बी 180-75। तो कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया, आ गया ना ये, ठीक है ना। अब जरा ये देखें,
ए बी पैरेलल सी डी के, सी डी को मैं अगर डॉट डॉट करके बढ़ा दूं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए, पैरेलल है दो लाइन, पैरेलल ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, टू लाइंस आर पैरेलल और बी सी ट्रांसवर्सल, तो एक्स और ये क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल क्या होंगे ये इक्वल होंगे, तो एक्स वैल्यू यहीं से आ जाएगी बस। तो हम पहले लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, चलिए लिखते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ट्रांसवर्सल कौन सी है, बी सी, ये देखिए बी सी ट्रांसवर्सल है, तो बी सी इज अ ट्रांसवर्सल सो एंगल ए बी सी इक्वल टू होगा एंगल बी सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बात समझ आई नहीं आई, मैं चलो इस पर समझाता हूँ दोबारा से। ये लाइन थी देखो, ये इसके पैरेलल है, ये गिवन है, मैंने इसको बढ़ा दिया। तो देखो ये एंगल एक्स है और ये था सी, ठीक है ना। अब इसको ऐसे देखो, टू लाइंस आर पैरेलल ट्रांसवर्सल, जो जेड की शेप बनाती है वो एंगल इक्वल होते नहीं होते, तो वही हमने यहाँ करा, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल है, ये एक्स था, ये सी, ये बी थी, ये पॉइंट ए था और नीचे था डी। तो अब लिख दिया ए बी, यानी कि ये एंगल ए बी सी इक्वल टू होगा बी सी डी, एंगल एक्स इक्वल टू होगा इसके, वही हमने यहाँ लिखा है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल, ये द्वारा देख लो ए बी सी क्या है एक्स और बी सी डी क्या है सी, है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, बी सी डी और बी सी डी का एंगल सी हम फाइंड कर चुके 105। अगर एंगल की बात करें तो 105 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7, दिस फिगर इज गिवन एंड इट इज गिवन ए बी ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल, ये तीनों लाइन पैरेलल, थोड़ी टेढ़ी होगी है लेकिन ये पैरेलल ना, ए बी आगे सीधा आना चाहिए, ए बी ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री और ये एंगल दे रखा हमें 130 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे, ई एफ पैरेलल टू सी डी है तो ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180। अभी कराए को इंटीरियर एंगल या सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कुछ भी लिख दो। तो लिखते हैं ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी, सो एंगल ये क्या लिखेंगे सी ई एफ, एंगल सी ई एफ प्लस इसे क्या लिखेंगे ई सी डी या डी सी कुछ लिख लो, एंगल डी सी ई इज इक्वल 180 डिग्री, क्या सम ऑफ को इंटीरियर या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ऐसे लिख देता हूँ लोग कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 130 डिग्री, डी सी ई इससे फाइंड हो जाएगी कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी, क्यों, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 130 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट से लेफ्ट से राइट, तो क्या आ जाएगा माइनस का, और 180 में से 130 सबट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 50 डिग्री, क्लियर। तो एंगल डी सी ई की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, कौन सा, ये आ गया 50 डिग्री, ठीक है ना। अब जरा मैं इसी को सामने कर देता हूं जैसे फिगर दिखाई देती रहेगी। अब देखो ए बी पैरेलल सी डी के भी है, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो मैं लिखता हूं कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड देखो बी सी क्या हो गई ट्रांसवर्सल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्या कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो भी लिख रहा हूं एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो क्या होगा एंगल ए बी सी की वैल्यू इक्वल होगी एंगल डी सी बी या बी सी डी, एंगल बी सी डी, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ए बी सी किसके इक्वल है, ये रहा ए बी सी इक्वल है 70 डिग्री के, तो यहाँ लिखेंगे हम 70 डिग्री, और बी सी डी किसके इक्वल है, बी सी डी इक्वल होगा एक्स प्लस, ये हम निकाल चुके ये पूरे ही तो है, तो एक्स प्लस 50, कुछ नहीं है, इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 70 माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स
इक्वल होगा 20 के। तो जो x की वैल्यू इस फिगर में इसके इक्वल आ गई 20। ओके क्लियर ना, समझ में आ गया होगा। तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 8, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमें दे रखा है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये एंगल 75, ये 125, ये एक्स, ये वाई जेड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स और वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, सबसे पहले एक्स निकाल के देखते हैं। देखो क्या हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखी है, तो एक्स प्लस 75 का सम क्या होगा 180, क्योंकि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सो एक्स प्लस 75 इज इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके तो एक्स तो ही निकलाया 180 माइनस 75। अब 180 में से 75 सबट्रैक्ट करेंगे तो 105 डिग्री। तो जो एक्स एंगल है किसके इक्वल है, 105 डिग्री के इक्वल आगे एक्स की वैल्यू। अब निकालनी है वाई, तो वाई कैसे निकलेगा, देखो ये लीनियर पेयर है एंगल है एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180 होगा ना। तो लगा दो अब ये कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। सम कॉस क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। तो एक्स की वैल्यू हमें पता है और डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप कैसे कि 75 और वाई क्या अल्टरनेट इंटीरियर, ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों, ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ इज द ट्रांसवर्सल, तो वैल्यू वाई इक्वल टू होगी ए ई सी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वाई इक्वल टू 75 ऐसे कर लो, जैसे चाहो कैसे कर लो, आंसर दोनों का सेम आएगा कैसे भी निकालोगे, वो ज्यादा सही रहता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो गया ना। तो क्या हो गया 180 माइनस 105, तो वैल्यू ऑफ वाई इज 75 डिग्री। अब रह गया जेड, अब जेड कैसे निकाले है ना, चलिए जेड के लिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। फिगर देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी और ई जी क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां तक ही तो हुआ, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, समझ में आ गया। यहां से देखो दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल, ये पूरा एंगल इसके इक्वल होता है, क्या कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल कौन सी है, ये ई जी, तो यहां से यहां तक का एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल क्या हो गया 75 प्लस जेड, वैल्यू किसकी होगी 125। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई जी इज ट्रांसवर्सल। दोबारा फिगर देख लो आप लोग, फिर समझ लो, ये गया ए बी, ये रही लाइन ए बी और सी डी पैरेलल, ई जी ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल ए ई जी इक्वल टू लिखूंगा ई जी डी, ठीक है ना। सो क्या होगा, एंगल ए ई जी इज इक्वल होगा एंगल ई जी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शॉर्ट में से लिख देते हैं। ए ई जी किसके इक्वल है, अभी हमने दिखाया था 75 प्लस जेड के ऊपर, और ये है 125, तो जेड की वैल्यू भी आ गई 50 आ गई, शायद 125 माइनस 75, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 0 और 12 में से 7 गया 5, तो जेड एंगल किसके इक्वल है 50 डिग्री। तो तीनों एंगल निकला है एक्स वाई जेड, एक्स आ गया 105, वाई आ गया 75 और जेड आ गया 50 डिग्री। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट दिस फिगर इज गिविन, दिस एंगल इज 35 डिग्री और दिस एंगल इज 65 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर, और हमें क्या गिविन है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्या करें, ई से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, ई एफ इसके पैरेलल है, ए बी की होगी तो सी डी की भी होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसे लिख भी लेते हैं फ्रॉम ई ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी, तो यानी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, हुई ना। अब ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऊपर मैंने एंगल वन मान लिया और नीचे वाले को एंगल मान लिया टू, तो एंगल वन प्लस टू इक्वल टू एक्स होगा, तुम्हें ही निकालना है, और एंगल वन किसके होगा 35 की, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। चलो लिख देते हैं ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सो एंगल वन इज इक्वल टू 35 डिग्री,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल वन की वैल्यू तो हो गई है 35। सिमिलरली एंगल टू निकलेगा, एंगल टू किसके होगा 65, क्यों? सी डी इज पैरल टू ई एफ, चलो ये भी लिख देते हैं, सी डी इज पैरल टू ई एफ, सो एंगल टू की वैल्यू इक्वल टू होगी 65 डिग्री के, समझ में आ गया ना, ये एंगल टू है, ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल टू की मालूम पड़ गया, निकालना था x, और x किसके इक्वल है एंगल वन प्लस एंगल टू, देखो x, ये तो पूरा x था, एंगल वन प्लस टू, तो x की वैल्यू निकल आई, दोनों को ऐड कर दो, तो वैल्यू ऑफ x इज 35 प्लस 65, वैल्यू ऑफ x, x डिग्री का जो एंगल है, x जो एंगल बनेगा किसके होगा 100 डिग्री के इक्वल, आप खाली 100 भी ले सकते हो, लेकिन ये एंगल होता है तो डिग्री लगा देना चाहिए, x इक्वल टू 100 डिग्री, ओके। नाउ सेकंड पार्ट, ए बी पैरल टू सी डी, ये फिगर है, और ए लाइन ए बी पैरल टू दे रखी है सी डी, ये एंगल बी दे रखा है 35, और इसकी वैल्यू दे रखी है वो मेरा 65 नहीं 25 है, सॉरी मैं सब गलत सलत का उतार लेता हूँ, ये 55 है और ये 25 है, वो मैंने फर्स्ट उतार लिया, ये 55 और ये 25, तो हमें ये एंगल है एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे हमने ऊपर करा था, इसको आप पैरल लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, तो जो भी एंगल निकलेगा इन दोनों का सम क्या आता है, और ये क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्स 360 में से माइनस कर दो, या इसको पीछे की तरफ पैरेलल ड्रॉ कर लो, तो मैं इसको दूसरे तरीके से कर देता हूँ, पहला ऊपर तो एक मेथड हुई है भाई, तो ओ पी मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली ए बी के, तो ये तीनों लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी, तो क्या करा ड्रॉ ओ पी पैरेलल टू ए बी, अब देखो यहां से यहां तक का एक एंगल, यहां से यहां तक का एंगल, इसे वन मान लिया, इसे टू, और ये पूरा क्या है एक्स, एक्स क्या होगा एंगल वन प्लस टू, ठीक है ना, तो क्या करेंगे कि ए बी पैरल टू पीओ, तो एंगल 55 प्लस एंगल वन की वैल्यू क्या होगी 180, कौन से एंगल है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सो एंगल चलो मैं पूरी लेंगे ले दू उसमें ए बी ओ प्लस एंगल कौन सा पीओ बी या बी ओ पी कुछ भी लिख लो POB is equal 180 degree. Cos क्या लिखेंगे sum of consecutive interior angles, है ना, ABO कितना है 55, POB को हमने एंगल 1 मान लिया है 180 degree, इससे एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180 minus 55, तो एंगल 1 is 180 में से 55 सेपरेट करें, बोर लिया 10 में से 5 गया 5, यहां 7 में से 5 गया 2, 25 डिग्री आ गया, तो वैल्यू ऑफ एंगल 125। सिमिलरली हम एंगल 2 निकाल लें, क्या है इसमें सी डी पैरल टू पी ओ, सी डी इज पैरल टू पी ओ, सो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल 2 प्लस 25 डिग्री क्या होगा 180, कॉस समझ में आ गई यही ऊपर वाला कॉस, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 25 कितना हुआ ये 55 हो गया, 155 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 5 और 7 में 17 में से 2 गए तो 15, निकालना था x, x किसके इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये देखो x, x क्या था ये पूरा x है, तो क्या होगा ये एंगल ऊपर का 1 प्लस 2 है ना, तो 1 प्लस 2 कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू स्पेस कम है मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना, यहां लाइन खींच के, तो x इक्वल टू 1, 1 आया 25 और 2 है 155, 180 तो नहीं है भाई, कहीं गलत कर दिया हमने, 180 तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो एंगल 2 गलत निकाला क्या, 180 में से 25, ये 25 बचा है, 180 में से 55 गए, ये हमने गलत लिख दिया है, 180 में से 55, 10 में से 5 गया 5, है ना, और यहां क्या रह गया 7 में से 5 गया 2, 1 लिखना भूल गया, ठीक है बस समझ गए ना, 180 क्यों नहीं हो सकता, 180 तो स्ट्रेट लाइन होती है, ये तो यहाँ रिफ्लेक्स एंगल है 180 से दिखाना चाहिए, तो यहां इससे पता चल गई कहीं मिस्टेक है, ये मिस्टेक थी, हमें 1 लिखना भूल गए थे, एंगल 1 की वैल्यू है 125 और ये है 55, एंगल 2 155,
ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। ये था 125 प्लस 155 कितना हुआ, 5 5 10, 5 2 7 1 8 और 2 2 280 डिग्री आ गया आंसर। ओके, 180 डिग्री क्या होती है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है। ये कहता है रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 से अधिक, तो हम समझ गए कि मिस्टेक है। क्या मिस्टेक थी, हम वन लिखना भूल गए थे ना, तो 125 प्लस 155 280 थी। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, दिस फिगर इज गिवन एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस एंगल इज गिवन 116, दिस एंगल इज गिवन 120 डिग्री, फाइंड द एक्स। ये तो सेम है ना फर्स्ट पार्ट की तरह है बिल्कुल। क्या करें, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें, ई है, तो ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी, और ये दोनों आपस में पैरेलल, तो यानी कि तीनों पैरेलल होंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अंडरस्टूड है। अब इसे एंगल वन मान लिया मैंने, इसे एंगल टू, समझ गए। तो चलिए, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सो एंगल वन प्लस 116। अब मैं कॉस ऊपर लिख चुका हूं, आप लोग लिख लेना, लेकिन यहां ब्रैकेट में क्या होगा, ये सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल वन की वैल्यू हो गई 180 माइनस 116, बोर लिया 10 में से 6 गया 4, या 7 रह गया, 7 में से बन गया 6 और 1 में से बन गया 0, तो एंगल वन की वैल्यू आ गई 64 डिग्री। अब हम टू निकालेंगे कैसे, ई एफ पैरल टू सी डी लिख दो, ई एफ पैरल टू सी डी, सो एंगल टू, वही सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ एंगल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 124, बोरो लिया 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 7 रह गया, 7 में से 2 गया 556, एंगल 2 की वैल्यू आ गई 56। और x किसके इक्वल है, एंगल x क्या था, ये पूरा हम पूरा x है, हमने 1 मान लिया 2, तो x ही तो होगा 1 प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो वैल्यू ऑफ x इज 1 इज 64 डिग्री एंड 2 इज 56 डिग्री, देखें कितना आ गया, 120 आ गया, एक्स की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं तक हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 9 तक के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और एक रिक्वेस्ट और थी, मेरा एक नया चैनल है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।